सो हे पोकेमोन मास्टर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर पोकेमोन वीडियो। आइस टाइप पोकेमोन्स हमेशा से ही बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते आए हैं, चाहे वो उनकी डिजाइन की वजह से हो या फिर उनके ड्रैगन टाइप के अगेंस्ट यूजफुलनेस की वजह से। कुछ भी कहा जाए, आइस टाइप पोकेमोन्स बहुत सारे लोगों की पहली पसंद होते हैं और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 आइस टाइप पोकेमोन्स के बारे में। सो ये लिस्ट कम्प्लीटली पोकेमोन के टोटल बेस्ट स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। सो अगर आपका फेवरेट पोकेमोन इस लिस्ट में नहीं है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ इस लिस्ट में हम किसी भी मेगा पोकेमोन को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो पोकेमोन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन्हें वैसा डिजाइन किया होता है। सो अब जब सारे रूल्स क्लियर हो चुके हैं तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ऐसे ऑसम कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और अब जब सारी बातें हो चुकी है, लेट्स बिगिन। नंबर 5, वेनेलेक्स। ये पोकेमोन एक प्योर आइस टाइप पोकेमोन है और इसका टोटल बेस स्टैट है 535, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये पोकेमोन एक स्पेशल अटैकर है और एक बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव पोकेमोन भी है। ये पोकेमोन इवॉल्व होता है वेनेलाइट से वेनेलिश में और फाइनली फिर इवॉल्व होता है वेनेलेक्स में। ये पोकेमोन वीक है फाइटिंग, रॉक, स्टील और फायर टाइप से और रेजिस्ट कर सकता है आइस टाइपिंग को। ये पोकेमोन कई सारे पावरफुल मूव्स भी सीख सकता है, जैसे कि फ्रीज डे, ब्लिजर्ड, आइस बीम और भी बहुत सारे। सो ओवरऑल कहा जाए तो ये एक बहुत ही वंडरफुल पोकेमोन है। नंबर 4, मैमोस्वाइन। ये पोकेमोन एक आइस और ग्राउंड टाइप पोकेमोन है और इसका टोटल बेस स्टैट है 530, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये एक टैंक और हैवी अटैकर है। ये पोकेमोन इवॉल्व होता है स्विनअप से पॉलिस्वाइन में और फाइनली इवॉल्व होता है मैमोस्वाइन में। मैमोस्वाइन वीक है फाइटिंग, स्टील, फायर, वाटर एंड ग्रास टाइप से और रेजिस्ट कर सकता है पॉइजन और इलेक्ट्रिक टाइप को। ये पोकेमोन बहुत ही अमेजिंग मूव्स भी सीख सकता है, जैसे कि ट्रैश, अर्थक्वेक, ब्लिजर्ड, हाइपर बीम और भी बहुत सारे। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही अमेजिंग पोकेमोन है। नंबर 3 पर आ रहा है लैप्रेस। अब लैप्रेस को कौन नहीं जानता। ये पोकेमोन एक वाटर और आइस टाइप पोकेमोन है और इसका टोटल बेस स्टैट है 535। इसके स्टैट्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया बैलेंस स्टैट्स है और ये एक टैंक पोकेमोन है। इस पोकेमोन का टाइप कॉम्बो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और ये पोकेमोन वीक है फाइटिंग, रॉक, ग्रास और इलेक्ट्रिक टाइप से और रेजिस्ट कर सकता है वाटर एंड आइस टाइप को। इस पोकेमोन के पास बहुत सारे पावरफुल मूव्स भी है, जैसे कि सर्फ, हाइड्रो पंप, आइस बीम, ब्लिजर्ड, हाइपर बीम और गीगा इम्पैक्ट। सो अगर आपको जनरेशन 1 पसंद है तो ये पोकेमोन आपकी फेवरेट लिस्ट में जरूर होगा और ये सच में एक बहुत ही अमेजिंग पोकेमोन है, जो कि एलिट 4 के अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। सो नंबर 2 पर आ रहा है आर्टिकुनो। आइस टाइप पोकेमोन की बात आए और आर्टिकुनो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पोकेमोन एक आइस और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, जिसका टोटल बेस स्टैट है 580। इसके बेस स्टैट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक डिफेंसिवली स्पेशल अटैकिंग पोकेमोन है। आर्टिकुनो एक लेजेंडरी पोकेमोन है, जो कि हमारे साथ जनरेशन 1 से ही रहा है और ये वन ऑफ द कूलेस्ट लुकिंग पोकेमोन में से भी एक है। ये पोकेमोन वीक है रॉक, स्टील, फायर और इलेक्ट्रिक टाइप से और रेजिस्ट कर सकता है ग्राउंड, बग और ग्रास टाइप को। इस पोकेमोन के पास कुछ पावरफुल मूव्स भी है, जैसे कि आइस बीम, हरिकेन, ब्लिजर्ड और हाइपर बीम। सो ओवरऑल ये पोकेमोन एक पावर हाउस है, जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट लेजेंडरी पोकेमोन भी है। सो नंबर 1 पर जाने से पहले ये रहे कुछ ऑनरेबल मेंशन। सो फाइनली नंबर 1 पर है क्यूराम। ये पोकेमोन एक ड्रैगन और आइस टाइप पोकेमोन है, जो कि हमें जनरेशन 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस पोकेमोन का टोटल बेस स्टैट है 660, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसके स्टैट्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये पोकेमोन एक एचपी टैंक है, जो कि बहुत ही हार्ड अटैक करेगा। सो क्यूरम के पास 2 फॉर्म्स है, जिनमें से एक है ब्लैक क्यूरम और एक है व्हाइट क्यूरम। सो ये पोकेमोन ब्लैक क्यूरम तब बनता है जब ये फ्यूज होता है जेक्रॉम के साथ और व्हाइट क्यूरम तब बनता है जब ये फ्यूज होता है रेशिरम के साथ। सो ये पोकेमोन वीक है फाइटिंग, रॉक, स्टील, ड्रैगन और फेरी टाइप से और रेजिस्ट कर सकता है वाटर, ग्रास और इलेक्ट्रिक टाइप को। ये पोकेमोन बहुत सारे अमेजिंग मूव्स भी सीख सकता है, जैसे कि आउटरेज,
हाइपर वॉइस, हाइपर बीम, ब्लिजर्ड, ड्रैगन क्लॉ, आइस बीम, थ्रैश और भी बहुत सारे। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये पोकेमॉन एक बहुत ही अमेजिंग पोकेमॉन है जो कि हमें जनरेशन 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ये रही एक वीडियो टॉप 5 आइस टाइप पोकेमॉन्स पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कोई और भी पोकेमॉन होना चाहिए था तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ऐसा ही कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। सो मैं मिलूंगा आपको ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज डी एंड आई एम साइनिंग आउट। पीस।